बलि पड़ता है छिन्नमस्तिका मंदिर में। यहाँ पर देखिए भाई सब लोग फुल्ली मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं पूजा करने वालों का कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस जैसा कि गर्मी का मौसम आ चुका है तो हम लोग आ चुके हैं रजरप्पा में और यहाँ एक छिन्नमस्तिका देवी माता का मंदिर है और एक नदी है। तो गाइस वहाँ चलकर आप लोगों को दिखाने वाले मंदिर और नदी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगी। तो चले चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा मंदिर है और कैसा नदी है। भाई यहाँ से देख सकते हैं व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने, तो चले चलते हैं। तो भाई प्रसाद ले लिए, चलते हैं मंदिर में और दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं प्रसाद ले लिए और चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। मिलते हैं आपको मंदिर में। यहाँ से मंदिर के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़, लाइन लगाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कितना लंबा लाइन। भाई यहाँ पर देख सकते हैं बैरियर लगा हुआ है जहाँ घुमा घुमा कर यहाँ पर मुख की ओर जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं पूजा करने वालों का कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर। आधा घंटा वेट करने के बाद आखिरकार मंदिर के पास आ ही गए। चलेंगे यहाँ से मंदिर और दिखाएंगे आप लोगों को। देखते हैं मोबाइल की एंट्री है कि नहीं है, अगर एंट्री रहेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते भीड़ काफी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बलि पड़ता है छिन्नमस्तिका मंदिर में। यहाँ पर देखिए भाई आप लोगों को छिन्नमस्तिका देवी मंदिर घुमा दिए और यहाँ पर दो से तीन मंदिर है और काफी खूबसूरत खूबसूरत मंदिर है। और ये कमला मंदिर है जो देख सकते हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है, ऐसा मंदिर मैं पहली बार देखा हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं। ये गाइस जय माँ बंगला मुखी, देख सकते हैं आप लोग, जय माँ भैरवी देवी का मंदिर है जो कि देखिए काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में और काफी अच्छा भी मंदिर है और काफी बड़ा मंदिर है। ये देख सकते हैं माँ काली मंदिर है जो कि काफी खूबसूरत और काफी बढ़िया मंदिर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं इसकी खूबसूरती। भाई ये देख सकते हैं मंदिर जो कि काफी खूबसूरत मंदिर है। ये स्वर्गीय लक्ष्मी देवी जी का मूर्ति है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है और अंदर में कुछ पुजारी लोग पूजा कर रहे हैं। भाई हम लोग अभी नाव पे बैठे हैं, एक पर्सन का 50 रुपये लगता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं राइट साइड, उसके बाद चलेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में झरना गिरता है तो वो झरना आप लोगों को दिखाने वाले। भाई बहुत खूबसूरत है वो झरना, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। और यहाँ का नेचुरली देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। और मेरे साथ कुछ भाई भी आए हैं जो कैमरा में हाय बोल रहे सब लोग। भाई हाय, हाय गाइस। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग। भाई अभी हम लोग बोटिंग कर रहे थे और यहाँ पर भैया जो है पूरा अच्छा से हम लोग लोगों को घुमा रहे हैं। तो पूछते हैं अच्छा यहाँ पर कितना दूर तक आप लोग घुमाते हैं? ब्रिज तक, एक पर्सन का 50 रुपये लेते हैं ना। एक पर्सन का 50 रुपये ब्रिज तक लाते हैं, दोनों पट्टी घुमा देते हैं। झरना का जो सीन है वो भी दिखा देते हैं, पहाड़ आगे आनंद लेता है बहुत सुंदर से, फोटो वोटो खींचता है तो मजा से खड़ा कर देते हैं, आनंद लेता है सब लोग। और भाई ये देख सकते हैं यही ब्रिज है, यहाँ से अभी घूमेंगे हम लोग और वाटरफॉल के पास अभी गए थे और आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं नेक्स्ट सीन। भाई काफी मजा लग रहा है भाई आप लोगों को।
सब लोगों को देखिए बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कैसे लगा भाई? बहुत अच्छा भाई। जिस सीन का बात कर रहा था वो सीन आने वाला है। एक सीन ये रहा, यहाँ पर थोड़ा कम पानी गिरता है, और आगे चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जिस सीन का बात कर रहा था। भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है, लग रहा है कहीं वाटरफॉल में आ गए हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और नेचुरली का सीन देखिए भाई, पीछे पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को वो सीन। देखिए गाइस, हम लोग आ गए नेक्स्ट लेवल सीन के पास। काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, देखिए। भाई यहाँ पर देख सकते भाई, काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर देखने से। लग रहा है भाई काफी अच्छा लग रहा है देखने से भाई, इतना तेजी से बाटर फॉल आ रहा है ना, काफी खूबसूरत लग रहा होगा आप लोगों को। कैसा लगा आप लोगों को भाई? अच्छा लग रहा है, सब मजा कर रहा है सब लोग भाई, सब लोग फुल्ली मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। और वो रहा सीन, देख सकते भाई अभी पार हो गया, बहुत मजा आया अभी। और अंकल जी अभी अच्छा घुमाए थे हम लोग, काफी मजा आ गया है ना अंकल भाई? अंकल को भी मजा आ गया हम लोगों से, है ना अंकल? झरना का फुहारा भी तो मस्त है, आनंद से ले लिया, जो घूम रहा है अभी मस्त लग रहा है। ऐसा सीन नहीं मिलेगा फिर, ऐसा सीन देखने को बहुत कम मिलता है गाइस। और ये सीन देखने के लिए अगर आप लोगों को आना है तो रजरप्पा आइए, और बोटिंग जरूर कीजिएगा रजरप्पा में, जो कि ये देख सकते पहाड़ों के बीचों बीच में ये नदी है और इससे झरना गिरता है। आप लोगों को आना तो एक बार जरूर आइएगा रजरप्पा, और बोटिंग जरूर कीजिएगा रजरप्पा। ये